प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोक का चक्र है। सबका विकास कहते हैं लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो। गृह मंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद में आऊंगा, पर गृह मंत्री 15 दिन हो गए हैं पर मणिपुर में दिखाई नहीं दिए। कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मन से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपकी अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूँ। मैंने शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है, इंसाफ है। मैं पढ़ू महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर, अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी ना इंसाफी हो तो वह हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला, कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृहमंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला।
सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री आप मंत्रिमंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं दो बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन अपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये तीन सवाल हैं सर, और शायद इन तीन सवालों का तीन उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी तीन है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। आज महिलाओं बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा, धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया, धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है, आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है, आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे, आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे, वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते अगर वीडियो वायरल नहीं होते, पर ऐसे हजार से ऐसे अत्याचार हुए। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि ये सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात अपने आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो, और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जो वहां पे जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबांग इटोचा, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के पीएचई मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुकात है। ये बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है, उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई उससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के
जो काम है उसको स्वीकार नहीं किया है। आज इसीलिए कमेटी बैठाई गई है। मैं पूछना चाहूंगा कि गृह मंत्री, आपने एक 51 मेंबर्स का कमेटी बैठाया, कितने बार वो कमेटी बैठी? आप 3 दिन थे, आप वहां पे गए, 51 अपने एक पीस कमेटी बैठाई, अच्छी बात है, लेकिन वो कमेटी आज तक असफल रही। गृह मंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद में आऊंगा, पर गृह मंत्री 15 दिन हो गए हैं पर मणिपुर में दिखाई नहीं दिए। आप चीन की बात करते हैं, आप चीन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो पूर्व ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब कोविड में, सेकेंड वेव में, लोग के सांसों में, फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? इस देश के इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो असम में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शांति के पहल के लिए उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। ये हमारा राष्ट्रवाद है कि दल से ऊपर हमारा देश, ये हमारा राष्ट्रवाद है। जब मीजो अकॉर्ड हुआ, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए, जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में, तो मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लाल डेंगा जी के साथ समझौता करके मिजो अकॉर्ड उन्होंने स्थापना किया 1986 में, और वहां के पू लाल डेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने और निर्वाचन। ये है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल और देश की अखंडता के लिए हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी को याद होगा, जब मिजो अकॉर्ड हुआ उसके अगले ही दिन राजीव गांधी जी और सोनिया जी मिजोरम गए थे, आइजवाल गए थे, और जगह जगह पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया और उन्होंने कहा, स्वागत राजीव गांधी जी, वेलकम राजीव गांधी जी, आप शांति के प्रतीक हो। ऐसा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं करते? हम उनका समर्थन करेंगे। इस सदन में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा असम में जाकर, We are one people. We are one nation. We must live together as such. We must restore peace and calm throughout the area. ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं कर? चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए, तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सीधा सर, मैं प्रधानमंत्री जी से तीन हमारी याचना है। याचना एक, कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाए, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए, हमारी याचना। दूसरा,
कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोक का चक्र है। आज नफरत एक हथियार बन चुका है, नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो। आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, आर कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, हम इस संविधान के आदर्शों की हम सुरक्षा करेंगे। आप पूंजीपतियों का विकास चाहते हैं, सबका विकास कहते हैं लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। ये है आपका विकास का मॉडल, ये है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनी को तो नाम ले सकता हूं। ये कैसा प्रक्रिया है सर, ये कैसा कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी बना रहे हैं? जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है, और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है, और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री को। ये इकोनॉमी बना रहे हैं, ऐसा इकोनॉमी आप बनाएंगे? हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं, हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं, हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं, वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपने गरीबों के साथ विश्वासघात किया है। आज टमाटर 2050 केजी में, पेट्रोल 102 लीटर का, एलपीजी 1200 रुपए सिलेंडर का, मिल्क आज दूध के दाम पे। आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखिए जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जीडीपी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बातें उनको समझाइएगा। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए, आप किसान की बात करते हैं, आपके यहां डेटा में आज हमको मिला है कि लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी है, जिसमें से किसान है, श्रमिक है, कल्टीवेटर्स है। ये है पार्लियामेंट में आज उत्तर आता है कि MGNREGA में 5 करोड़ लोगों को आज MGNREGA से बाहर कर दिया है। ये आपका विकास है? तो सर, ये आप गरीबों पे विश्वासघात करिए। हम राजस्थान की तरह देश में महंगाई में हम राहत लाएंगे। आप आदिवासियों में अत्याचार करें, हम आदिवासी छात्र महिलाओं और एनजीओ के साथ हम भारत को हम जोड़ेंगे और इंडिया को जिताएंगे। इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी विल प्रोटेक्ट एंड वी विल विन। जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इनका अहंकार मत करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रस्ताव यहीं पे रखता हूं। धन्यवाद।